हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन लैपटॉप सर्विस सेंटर जिसका नाम सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है। आप देखोगे इसका मॉडल है डेल 82E7440। एक्चुअली ये फुल्ली टच स्क्रीन लैपटॉप होता है। आप देख रहे हो कि अगर जो मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ तो इसका टच प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये जो अभी आया हुआ है हमारे पास ये लैपटॉप है, इसमें फिलहाल जो कस्टमर हैं वो उनको रैम अपग्रेड करवाना। अगर जो मैं आपकी आपको इनकी इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या आता है। जो टच स्क्रीन लैपटॉप आया था उसमें क्या क्या आया था, जैसे कि आप देख रहे हैं i5 इसका प्रोसेसर है, फोर्थ जनरेशन का लैपटॉप है और इसमें फिलहाल जो रैम है ओनली 4GB का रैम है और इसी 4GB के रैम को अपडेट करा के हमको इसको 8GB और लगाना है और ये टोटल का टोटल 8x12GB का स्पेस हो जाएगा। फिर इसकी जो स्पीड होगी और बूस्ट हो जाएगी। वैसे तो इसमें SSD ऑलरेडी लगी हुई है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो बैटरी होती है वो बाहर से आप खोल सकते हो, एक्सटर्नल बैटरी होती है और ये ब्रांडेड PC होती है, मतलब A1 कैटेगरी का ये लैपटॉप होता है। अगर जो आप इसे यूज कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, और नहीं भी यूज कर रहे हो अगर जो आप परचेज करना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया लैपटॉप होता है। प्रॉपर टच स्क्रीन में लैपटॉप होता है। अगर जो कीबोर्ड में वाई चांस का भी प्रॉब्लम आए तो आप टच से काम करा सकते हो। फिलहाल तो ये आया हमारे पास रैम अपग्रेड के लिए, तो आइए देखते हैं अगर जो इसमें रैम चेंज करना होता है तो हमें इसे कैसे खोलना होता है, कैसे रैम लगते हैं और कैसे फिर रैम लगा करके हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम लैपटॉप को शट डाउन कर लेते हैं ताकि जो करंट का फ्लो हो वो प्रॉपर बंद हो जाए, उसके बाद ही हम इसमें कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, उसके बाद इसको खोलने के बाद हम इसमें रैम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले बैटरी रिमूव कर लेते हैं ताकि करंट का फ्लो प्रॉपर बंद हो जाए, और ये जो पीछे का ढक्कन आप देख रहे हो इसके दो स्क्रू खोलने के बाद ये ढक्कन रिमूव हो जाएगा और वहाँ से हम इसमें लगा हुआ जो रैम है, जो रैम इंस्टॉल्ड है वो देख सकते हैं, और इसके अलावा रैम हम लगा सकते हैं। रैम के साथ साथ और भी कोई अगर जो पार्ट इसमें हमें लगाना हो तो हम इसे लगा सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये ढक्कन पीछे से आसानी से खुल जाता है और आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ पर हार्ड डिस्क लगती थी, जो पहले के जो लैपटॉप आते थे उनमें हार्ड डिस्क का स्पेस होता था। आजकल तो हार्ड डिस्क का स्पेस भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट होता है। ये हार्ड डिस्क का स्पेस है और ये आप देखोगे इसमें SSD लगी हुई है और ये दो स्लॉट है हमारे पास रैम का, जिसमें एक रैम तो इन्होंने ऑलरेडी लगा रखा है और एक स्लॉट खाली है। तो इसी स्लॉट में हम 8GB का रैम लगा करके इस लैपटॉप को अपग्रेड करेंगे। अगर जो आप भी अपना लैपटॉप वगैरह अपग्रेड कराना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपने घर के पास या फिर आप हमारे पास आकर के अपना लैपटॉप अपग्रेड करा सकते हो। फिलहाल तो हम इसमें रैम लगाएंगे और रैम लगा करके चेक करेंगे कि ये प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमारे पास ये सैमसंग का रैम है 8GB का DDR3 और ये DDR3 का ही स्लॉट है। इसमें DDR3 लगा सकते हो, ना ही इसमें DDR2 और ना ही DDR4 आप लगा सकते हो। तो फिलहाल तो हम ये रैम जो है हमारे पास DDR3 का वो लगाएंगे और एक बार लगाने के बाद इसमें करंट दे करके चेक करेंगे कि ये सपोर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे कि जो रैम हमने लगाया है 8GB वो इसने सपोर्ट लिया है नहीं लिया। अगर जो 8GB हम इसमें रैम लगा रहे हैं तो ये इसकी टोटल जो अमाउंट होगी रैम की वो 12GB हो जाएगी, और 12GB होने के बाद ये लैपटॉप बहुत ही फास्ट और अच्छी सर्विस के लिए तैयार हो जाएगा, जिससे जो कस्टमर है या जो यूज़र है उसको इस पे काम करने में मतलब बहुत ही आसानी हो जाएगी, कोई स्लो नाम का चीज़ नहीं रहेगा। एक बार ऑन हो जाए तो फिर हम इसमें चेक करेंगे प्रॉपर्टी में जा करके कि रैम सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है। अभी हम इसमें पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इसके कंप्यूटर के जो प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी में जाकर के चेक कर सकते हैं कि इसमें रैम अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड रैम है वो 4GB से बढ़कर 12GB हो गई है,
और इस तरह से हम रैम को अपग्रेड करते हैं किसी भी लैपटॉप में। फिजिकली रैम तो फिजिकली मेमोरी होती है, तो आप या तो घर पे या फिर किसी आप हमारे थ्रू रैम को अपग्रेड करा सकते हो। इसके अलावा हम एक जगह और रैम चेक करते हैं, अगर जो यहाँ से भी चेक करें तो हम यहाँ से भी रैम को चेक कर सकते हैं कि रैम लगा हुआ है या नहीं है, या लगा हुआ है तो कितना रैम है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे CPU रैम और डिस्क वगैरह सारे ही आती है, तो अभी यहाँ पे भी देखोगे कि ये 12 GB का रैम आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर जो आप भी अपना रैम अपग्रेड कराना चाहते हो तो सूरज कंप्यूटर में कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई भी लैपटॉप को आप अपग्रेड कराना चाहते हो, SSD लगवाना चाहते हो, हार्ड डिस्क लगवाना चाहते हो, रैम लगवाना चाहते हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सूरज कंप्यूटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।